हाउ टू शेयर एंड कनेक्ट मोबाइल स्क्रीन टू योर लैपटॉप। यस गाइस, यदि आप भी मिरर करना चाहते हैं, स्क्रीन को कनेक्ट करना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को अपने लैपटॉप एंड पीसी से, तो कैसे आप बिल्कुल ही फ्री में इस चीज़ को आप गेट कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। आपके मोबाइल में एक सेटिंग है या फिर एक लैपटॉप में ही सेटिंग्स को इनेबल करना होता है। उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या फिर कह लें कि कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप एंड पीसी से। चलो मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूँ, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो भी हो रही एक्टिविटी सब आपको सेम टू सेम अपने लैपटॉप के ऊपर भी दिखाई दे रही है, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे हम बैक कर देते हैं, अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर चले जाते हैं, फिर मैं आपको प्रॉपरली बताना शुरू करता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे साइड में रखेंगे अपने मोबाइल फ़ोन को। अपनी लैपटॉप एंड पीसी की स्क्रीन पर जाने के बाद यहाँ पे हम ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब आपको क्या करना है, सेटिंग्स को ओपन करने के लिए लैपटॉप पे जाना है। यहाँ पे आपको मेन्यू के बटन पे क्लिक करके इस तरीके से सेटिंग्स का ऑप्शन फाइंड आउट करना है। सेटिंग्स क्लिक करें इसके ऊपर आप। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगी, जो कि आपको जर्नल्स या फिर सिस्टम करके एक ऑप्शन मिलेगी। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो गाइस यहाँ पे हमें सिस्टम की एक सेटिंग देखने को मिलती है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, प्रोजेक्टिंग पीसी। तो इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शनल फीचर आती है, उससे पहले आपको आएगा प्रोजेक्टिंग टू द पीसी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे टू दिस पीसी, देन आपको यहाँ पे इस तरीके सेटिंग्स देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक जो है गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शनल फीचर को ऐड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑप्शनल फीचर्स के ऊपर, देन आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको व्यू फीचर्स के ऊपर क्लिक करके एक यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। जी हाँ दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे आपको जो है राइट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसका आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं क्लिक करना है। जस्ट आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिल रही है ऐड फीचर, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पर आपको जो है एक वायरलेस डिस्प्ले करके एक सर्च करना है। तो गाइस जैसे आप सभी यहाँ पे वायरलेस लिखेंगे, वायरलेस डिस्प्ले करके आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक जो है फाइल देखने को मिलेगी। इसको आप यहाँ पे इनेबल करेंगे और इनेबल करने के बाद आपको नीचे जो है लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको एक इंस्टॉल का बटन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आप इंस्टॉल करके इस वाली फाइल को सबसे पहले डाउनलोड करेंगे। बेसिकली ये फाइल नहीं है, ये आपको प्री इंस्टॉल करना होता है, आपके लैपटॉप में पहले से ही सेटिंग होती है। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, आप सभी इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको अपने लैपटॉप को अच्छे खासे इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। तो चलो हम इसको कंप्लीट होने देते हैं, फुली आपको 100% इसको कंप्लीट होने देना है। डाउनलोड हो जाने दे, उसके बाद का फीचर हम आगे बताएंगे कैसे आप इसको शेयर करेंगे। और राइट गाइस, तो हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो गई है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर जाना है, बट उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से दोबारा सिस्टम पर क्लिक करेंगे। अब आपको दोबारा से वहीं पर जाना है जहाँ पर हमने प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का ऑप्शन देखा था। तो हम यहाँ पर दोबारा से जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, अब आप सभी चेकआउट करेंगे यहाँ पे आपके, तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, जो कि आप सेम टू सेम जैसा कि मेरे लैपटॉप के अंदर देख पा रहे, यही आपको ऑप्शन लानी है, यानी कि इनेबल कर दो, ऑलवेज करके एवरीवन कर देना है। ये जितनी भी सेटिंग मैंने अपने लैपटॉप में की है, सेम टू सेम यही ऑप्शन को करना है। उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगी, इसको आप इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टॉप पे जाना है, सबसे टॉप के ऊपर जो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे यार, लॉन्च द वायरलेस डिस्प्ले ऐप टू प्रोजेक्ट टू दिस पीसी। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना गाइस, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से हम क्लिक कर देते हैं। चलो जब आप क्लिक कर देंगे, अब आएगा आपको इस तरीके से, आपका लैपटॉप का काम हो चुका है। अब आपको बचा खुचा काम जो अपने लैपटॉप से नहीं, अब आपको फ़ोन से करना है। तो चलो अब आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन पर जाना है, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन पैनल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हर एक फ़ोन के ऊपर उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, तो आप सभी चेकआउट करेंगे कि मेरे जो लैपटॉप का यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग है वो आ चुका है, जतेंद्र कुमार करके जो है इसको हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे कि हमारा जो लैपटॉप है हमारे फ़ोन से ऑलमोस्ट कनेक्ट होने जा रहा है, आप सभी के सामने है। देख सकते हैं कि जो जो मैं यहाँ पर एक्टिविटी करूँगा, सेम टू सेम वो सारी ही मिरर होने वाली है, शेयर होने वाली है मेरे लैपटॉप के साथ। आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, यदि आपको यूज़ नहीं करना है तो आप इसको ऑटो डिस्कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वो वाली फाइल जो थी वायरलेस डिस्प्ले ऑप्शनल फीचर में जाके आप, क्योंकि कहीं जब तक आप ऑप्शनल फीचर में जाके वो वाली फाइल डाउनलोड नहीं करेंगे वायरलेस डिस्प्ले वाली, तब तक आपको ये ऑप्शन आपके लैपटॉप या फिर पीसी या फिर विंडो में नहीं देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ से ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ऑप्शनल फीचर में जाके ऐड फीचर पर जाकर
यानी कि डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्टिविटी मैं अपने फ़ोन के ऊपर करूँगा सेम टू सेम यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगी। अब ये बात अलग है दोस्तों, आप सभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को लैपटॉप में कंट्रोल कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस मिरर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए काफ़ी लोगों को अपने फोटोज़ वीडियोज़ को एंड्रॉयड फ़ोन से लैपटॉप में देखना होता है, तो आप इस तरीके से स्क्रीन शेयर करके उसको देख सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, अगर आपको बताऊं कि आप डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट स्वाइप डाउन करके स्क्रीन कास्ट को ऑफ कर देना है अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर, डैट्स इट। और अगर आपको लैपटॉप में इसको टर्न ऑफ करना है तो लैपटॉप में या फिर पीसी या फिर विंडो में, तो उसके लिए आपको अपने लैपटॉप एंड पीसी में जो है कंट्रोल प्लस एस बटन को प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली वो जो स्टॉप हो। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अपने यहाँ पे लैपटॉप पे जाना है, मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से कंट्रोल प्लस एस बटन को प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, आपका जो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। दोस्तों आप सभी जो है अपने स्क्रीन मिरर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ मैं लास्ट में बोल रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज़।